हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फ्रंट एंड फुल रोड मैप के बारे में बात करेंगे। हम इस ईयर की जॉब ट्रेंड्स को देखेंगे, सैलरीज को देखेंगे। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा कि आपको किन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। टेलविंड CSS के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट JS, नोड JS के बारे में बात करेंगे, इवन जावा बैकएंड स्टैक के बारे में भी बात करेंगे। मैं आपके साथ फ्री रिसोर्सेज शेयर करूंगा एंड कोर्सेज भी शेयर करूंगा जिनकी हेल्प से आप फ्रंट एंड स्टैक सीख सकते हैं। देखो, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको फ्रंट एंड आना चाहिए। स्टार्टअप्स में भी फ्रंट एंड डेवलपर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, इसीलिए स्टैक काफ़ी अच्छा है सीखने के लिए। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको एंड में बताऊंगा कि AI का भी क्या इम्पैक्ट होने वाला है फ्रंट एंड पे। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आप सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स में आप HTML, CSS एंड JavaScript सीखेंगे। HTML एक कोडिंग लैंग्वेज है, बट ये कोर कोडिंग लैंग्वेज नहीं है। मतलब आप इसमें फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं, ये सिर्फ वेबसाइट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है ये। तो आपको HTML के बेसिक ही सीखने हैं। आपको टैग्स के बारे में पता होना चाहिए, टाइटल, हेडिंग, पैराग्राफ, ये सब कैसे करते हैं, इमेज कैसे दिखाते हैं, बटन्स को कैसे रेंडर करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपने HTML में सीखनी है। CSS हम यूज़ करते हैं स्टाइलिंग देने के लिए। जैसे कोई बटन है, उसका कलर ग्रीन है, किसी बटन का कलर रेड है, तो वो सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे, फॉन्ट का साइज़ कैसा होगा, फॉन्ट का स्टाइल क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें हम CSS से करते हैं। CSS के बाद टेलविंड CSS भी आता है, ये हम रिएक्ट सीखते टाइम करेंगे, ये थोड़ा सा एडवांस है। उसके बाद हम JavaScript सीखेंगे। JavaScript के भी हमने बेसिक ही सीखने हैं। JavaScript एक कोडिंग लैंग्वेज है एंड ये हमें हेल्प करती है पेज को रिएक्टिव बनाने में। जैसे आप Facebook में या Instagram में जब लॉगिन करते हैं तो आप एक बटन क्लिक करते हैं साइन इन का। अब वो बटन सर्वर से बात कर रहा है, आपको साइन इन करने में हेल्प कर रहा है, तो ये फंक्शनैलिटी JavaScript ऐड करता है। HTML से डायरेक्टली हम ये फंक्शनैलिटी ऐड नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि HTML एक लैंग्वेज है, HTML के अंदर हम JavaScript लिख रहे होते हैं। मतलब HTML के टैग्स के अंदर हम JavaScript को इंजेक्ट करते हैं और हम HTML को बताते हैं कि जब भी ये बटन क्लिक होगा तो आपके अंदर जो भी कोड है उसको रन करना है, तो वो JavaScript के कोड को रन करता है। JavaScript के बाद हमने फ्रंट एंड फ्रेमवर्क सीखने हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में आपको फ्रंट एंड फ्रेमवर्क आने चाहिए। किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो भी आपको फ्रंट एंड फ्रेमवर्क सीखने होंगे। इस वीडियो में हम CDN डिप्लॉयमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे एंड हम लेटेस्ट जॉब ट्रेंड, सैलरीज भी देखेंगे। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बेसिक सीखने के बाद आप फ्रंट एंड फ्रेमवर्क सीख रहे होंगे, आपके पास दो ऑप्शन है, आप रिएक्ट सीख सकते हैं या एंगुलर सीख सकते हैं। रिएक्ट Facebook ने बनाया है एंड एंगुलर Google ने बनाया है। ये दोनों फ्रेमवर्क्स काफ़ी ज़्यादा कंपनीज यूज़ करती हैं एंड रिएक्ट जो है वो कंपैरेटिवली आसान है सीखने में, इन माई ओपिनियन। इसलिए एज अ फ्रेशर आप रिएक्ट सीख सकते हैं एंड रिएक्ट काफ़ी सारे स्टार्टअप्स में यूज़ होता है, इवन बिग MNCs भी रिएक्ट का यूज़ करती हैं, तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब रिएक्ट में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं एंड आपको ये सीखने होंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एटलीस्ट आपको वो आने चाहिए। जैसे JSX को कैसे यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टीज़ का क्या काम होता है। लेट्स से आपके पास एक पेज है, उस पेज में आपने सेट किया है यूज़र नेम, अब नेक्स्ट पेज में वही नेम आपको शो करना है, तो वो आप प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से शो कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं रिएक्ट में, कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रिएक्ट में। कंपोनेंट एक UI एलिमेंट होता है, जैसे कोई बटन आप दिखा रहे हैं या सर्च बार दिखा रहे हैं या बैनर दिखा रहे हैं, तो वो एक कंपोनेंट होता है। उसके बाद रिएक्ट में लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, वो भी आपने सीखने हैं। हुक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट APIs, हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स, जैसे हायर ऑर्डर फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस जो एज अ पैरामीटर फंक्शन ले सकते हैं, वैसे ही हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स होते हैं जो पैरामीटर में एक कंपोनेंट ले सकते हैं। उसके बाद आपको रिएक्ट राउटर भी सीखना है, रिडक्स लाइब्रेरी भी सीखनी है। रिएक्ट राउटर को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये हमारे पास एक URL है, अब इस URL पे मुझे एक पेज दिखाना है। लेट्स से यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ, लेट्स से 1, 2, 3 लिख देता हूँ। अब इस URL पे मुझे क्या पेज दिखाना है, मतलब क्या राउट होना चाहिए मेरा, तो अलग अलग राउट्स पे क्या चीज़ रेंडर करनी है, वो हम रिएक्ट राउटर की हेल्प से करते हैं। अब टेलविंड CSS देख लेते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में है अभी, तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इसको सीखना। बेसिकली ये टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे ये बैनर के टेम्पलेट्स हम देख रहे हैं, तो किसी भी वेबसाइट में आप देखते हैं ऊपर एक बैनर आ जाता है। अब इस बैनर को बनाने के लिए एक कोड लिखा होगा, ये कोड हमें टेलविंड CSS देता है, विच मीन्स कि ये हमारे पास बैनर है और इसका कोड हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देंगे, तो सेम बैनर बन जाएगा।
उसमें हम बटन का नाम चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हमें इस टाइप का बैनर चाहिए तो हम यहाँ से कोड कॉपी कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में कोड को पेस्ट करेंगे तो ये बैनर बन जाएगा। तो टेलविंड CSS हमें टेम्पलेट्स देता है, हम कॉपी पेस्ट करते हैं कोड को तो अपने प्रोजेक्ट में हम लेटेस्ट कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। ये एक पेड वेबसाइट है, आपको पेमेंट करनी पड़ती है इनके टेम्पलेट्स परचेज करने के लिए। तो एज अ फ्रेशर आप फ्री टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं, जब आप किसी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे तो वहां पर उनके पास पेड अकाउंट्स ऑलरेडी होंगे, तो आप उसी अकाउंट का यूज करके कंपोनेंट्स इंजेक्ट करेंगे। जैसे रिएक्ट फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, वैसे एंगुलर भी फ्रेमवर्क है। तो एंगुलर डिफरेंट है रिएक्ट से। एंगुलर की बात इस वीडियो में नहीं करते हैं क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। अगर आप एंगुलर सीख रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करना, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर आपके पास ये स्किल्स होंगे तो आपके रिज्यूम की वैल्यू बढ़ जाएगी, आपके लिए इंटरव्यूज में शॉर्टलिस्ट होना ईजी हो जाएगा। इसलिए आप ये भी सीख सकते हैं। ये स्पेसिफिकली फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में नहीं आते हैं, बट ये एज अ डेवलपर हमें आने चाहिए। गिट आप सीख सकते हैं, गिट हम वर्जन कंट्रोलिंग के लिए करते हैं। जैसे आप गिटहब में अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हैं एंड वही प्रोजेक्ट आप अपने रिज्यूम में भी शोकेस कर सकते हैं। आप CDN स्टैक को सीख सकते हैं, CDN में आप अपनी स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं। Node.js बैकएंड का स्टैक हो गया, अगर आपको सर्वर बनाना है, डेटाबेस से बात करनी है तो आप Node.js का यूज कर सकते हैं। Node.js की जगह आप पाइथन या जावा सीख सकते हैं बैकएंड स्टैक के लिए। मैंने कंप्लीट जावा रोडमैप के बारे में वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। उस वीडियो में मैंने फ्री रिसोर्सेज भी शेयर किए हैं, फ्री रोडमैप भी शेयर किया है, तो आप वो वीडियो जरूर चेक कर लेना। Node.js सीखने के बाद आप Next.js भी सीख सकते हैं। ये एक नया फ्रेमवर्क है, रिएक्ट के ऊपर बेस्ड है एंड ये आपको कोड डिप्लॉय करने में हेल्प करेगा, सर्वर बनाने में हेल्प करेगा। उसके बाद आप डिप्लॉयमेंट स्टैक सीख सकते हैं, आप डॉकर क्यूबरनेटिस सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मोस्टली बैकएंड स्टैक में आ जाती हैं। तो फ्रंट एंड स्टैक सीखने के बाद आप जब बैकएंड सीख रहे होंगे तो आपको ये सब सीखना होगा। सैलरी की अगर बात करें तो एज अ फ्रेशर आप 3-7 लाख का पैकेज क्रैक कर सकते हैं एज अ रिएक्ट डेवलपर। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि रिएक्ट स्टार्टअप्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, कुछ बिग एमएनसीज भी रिएक्ट का यूज़ करती हैं, तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है रिएक्ट में। नौकरी में अगर जॉब ओपनिंग्स देखें फ्रेशर्स के लिए, आपको अराउंड 2000 जॉब मिल जाएंगी फॉर रिएक्ट डेवलपर। अगर AI की बात करें तो अभी AI इतना एडवांस नहीं हुआ है कि वो कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बना सके, तो अभी तो रिएक्ट का स्कोप है, आप रिएक्ट सीख सकते हैं एंड फ्रंट एंड स्टैक सीखने में भी आसान है, स्टार्टअप्स में भी जॉब अपॉर्चुनिटी है एंड डिसेंट सैलरी भी आपको मिल जाएगी। बट इन फ्यूचर अगर AI भी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बना पाएगा या रिएक्ट में वेबसाइट बना पाएगा तो फिर हो सकता है कि जॉब्स वैकेंसीज में इम्पैक्ट आए, अभी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है AI का। मैं कोर्सेज का लिंक एंड रोडमैप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप चेक कर लेना। अगर मैंने कुछ मिस किया है या आपके डाउट्स हैं तो कमेंट ज़रूर कर देना। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।